नमस्कार। पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण बनाने का श्रेय भगवान सूर्य नारायण को है। समस्त प्राणी सूर्य के प्रकाश से लाभान्वित होते हैं। सूर्य का प्रकाश जीव जगत को पोषित एवं निरोग रखने का काम करता है। सूर्य के प्रकाश से क्रियाकलापों में चेतना का आविर्भाव होता है। फलस्वरूप प्राणी जगत में कोशिका की उपापचय क्रिया प्रेरित होती है और बढ़ती है। सूर्य की किरणों में ताप एवं प्रकाश ऊर्जा होती है। यह ताप और प्रकाश ऊर्जा अलग अलग छोटी बड़ी तरंग दैर्ध्यों का संयोजन होती है और जिनमें निश्चित औषधिकारक तत्व होते हैं। यह सर्वविदित है कि सूर्य का प्रकाश तरह तरह के बैक्टीरिया की असंख्य वृद्धि को रोकने की क्षमता रखता है। वास्तव में सूर्य की शक्ति का आकलन ग्रीष्म ऋतु में होता है। आजकल बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है। दोपहर की तेज धूप में भी कुछ फेरी वाले या मजदूर लोग काम करते हुए दिख जाते हैं। जीवन यापन के लिए तेज धूप में काम करना उनकी मजबूरी हो सकती है। फिर भी सभी में सूर्य के इस तेज को सहन करने की क्षमता एक समान नहीं होती। कुछ लोग सूर्य के प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिन्हें धूप असहनीय लगती है। त्वचा पर सूर्य की किरणें बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं, जैसे यहाँ। मन मस्तिष्क पर भी सूर्य के प्रकाश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने स्वयं पाया होगा कि कुछ लोग सर्दियों में उदासी डिप्रेशन का अनुभव करते हैं, क्योंकि सर्दियों में सूर्य का पृथ्वी पर प्रकाश काल कम हो जाता है। वहीं गर्मियों में प्रकाश काल अधिक होने से उनका मन उत्साहित रहता है। और जैसे जैसे सूर्य का तेज भू क्षेत्र पर अधिक होता जाता है, वे अधिक जीवंत होते जाते हैं। उनके स्वभाव में तेजी अर्थात मैनिया भी बढ़ती जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य के उद्देश्य से सूर्य के प्रकाश का डायरेक्ट प्रयोग किया जाता रहा है। प्रकाश की कमी के कारण मन की उदासी डिप्रेशन को आर्टिफिशियल लाइट थेरेपी से सुधारा जाता है। सूर्य प्रकाश को त्वचा के कैंसर और ल्यूपस अर्थात त्वचा की लाली और सूजन को पूर्णतः समाप्त करने में उपयोगी पाया गया है। सोलर कॉटरी एक वैज्ञानिक शल्य विधि है जो इपिथीलियोमा की वृद्धि को रोकने में सहायक है। इस विधि के प्रयोग से शरीर पर कोई दाग या धब्बा भी नहीं पड़ता। होम्योपैथी में सूर्य के प्रकाश से दवा तैयार की जाती है, जिसका नाम है सॉल। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में सैकरम लैक्टिस को सूर्य की तेज किरणों के संपर्क में रखकर निरंतर चलाते हुए इस औषधि को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सॉल दवा की विभिन्न शक्तियों का प्रयोग अनेक रोगों को समाप्त करने में किया जाता है। तेज धूप के संपर्क में आने से हम में जो लक्षण प्रकट होते हैं, वह शक्तिकृत सॉल दवा उन लक्षणों का उपचार करती है। इसके अलावा यह अन्य विभिन्न एवं गंभीर रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। सॉल जिन रोगों को दूर करती है वे हैं हाइपर सेंसिटिविटी टू सन, धूप के लिए अति संवेदनशीलता। सामान्य रूप से जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य की त्वचा का रंग परिवर्तन और उस पर दाग धब्बे पड़ना, झुलसना, डर्मेटाइटिस देखा जा सकता है, उन्हें फ्रैकल्स, लाल काले धब्बे या झाइयां कहते हैं। इसके अलावा लाइट स्नीजिंग, धूप में छींके आना, फोटोफोबिया, धूप में देखने में परेशानी होना, कैटरेक्ट, स्नो ब्लाइंडनेस, बर्फ में पड़ते प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न अंधापन को यह साल औषधि दूर करने में सक्षम है। इन कष्टों के अलावा यह दवा सनस्ट्रोक, लू लगने पर काम आती है। शरीर पर पड़े बर्थ मार्क्स, टैटूज जिन्हें जन्म चिन्ह कहा जाता है, वार्ट्स अर्थात मस्से, सिबेशियस सिस्ट, अल्सर्स, वेरिकोज वेन्स और बेनाइन ग्रोथ्स अर्थात गांठें एवं कैंसर जैसे मिलेनोमा से मुक्त करने की क्षमता रखती है। महत्वपूर्ण है कि इनके अतिरिक्त कैंसर में दी जाने वाली रेडिएशन थेरेपी के बुरे असर को समाप्त कर देती है। सॉल इन इट्स पोटेंटाइज्ड फॉर्म एक्ट्स एज एन एंटीडोट फॉर रेडिएशन पॉइजनिंग फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी विद कैंसर पेशेंट्स। होम्योपैथिक चिकित्सक को सफलतापूर्वक रोग निवारण के लिए सिर्फ एक ही सिम्टम को आधार बनाकर इलाज नहीं करना चाहिए, अतः अन्य विभिन्न लक्षणों की उपयोगिता को भी चिकित्सीय दृष्टिकोण से परखना जरूरी है।
और इसके लिए औषधि की पूर्ण जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं यहाँ इस औषधि के मुख्य मुख्य लक्षणों को बताना चाहती हूँ। जिस रोगी को सॉल दवा दी जाती है उसके मन में बेचैनी और मस्तक में उत्तेजना बनी रहती है। वह बहुत संवेदनशील होता है, किसी के पास आने पर डर जाता है, हृदय में कंपन होता है, भीषण सिर दर्द से ग्रस्त होता है, सुबह जागने पर सिर में चक्कर वर्टिगो लगता है, लेटने और सोने से आराम मिल जाता है, जिन्हें बिना सिर ढके धूप में जाने से सिर दर्द होता है और हल्कापन लगता है, इस दवा को उपयोग में लाएं। इसके सिर दर्द की यह विशेषता है कि दर्द सिर के ऊपरी भाग से होता हुआ माथे पर आता है और आँखों पर दबाव डालता है। सॉल का मुख्य लक्षण फोटोफोबिया है, अर्थात रोशनी को आंखें सहन नहीं कर पाती। आँख कान नाक में जलन के साथ सूजन का एहसास होता है, चेहरे में गर्मी का लक्षण प्रकट होता है, छायादार जगह जाने से तकलीफ में कमी आती है। सिर दर्द के प्रभाव से पेट के ऊपरी भाग में हलचल बढ़ जाती है, भूख प्यास घट जाती है और उल्टी उबकाई आती है। पेट में ऐसा खालीपन लगता है कि जैसे दो दिन से खाना ना खाया हो। पेट पर थोड़ा पानी डालने से बेहतर अनुभव होता है। सॉल से कब्ज की शिकायत दूर होती है। सॉल के रोगी को बेहद कमजोरी लगती है। यहाँ कैडमियम सल्फ की कमजोरी को कंपेयर कर सकते हैं। कैडमियम सल्फ में इतनी कमजोरी मर जाने जितनी, वहीं सॉल में अकड़न रहती है, पैरालिटिक उठ ना पाने वाली वीकनेस लगती है। बातचीत करने में खांसी आती है, गला खराब हो और ऐसा लगे कि जैसा ठंडा पानी पिया हो और उसी से गला खराब हुआ है। बात करने में कठिनाई के साथ मुंह और गले में सूखापन लगता है, जबड़ा कम खुलता है, शब्द बोलने में समस्या आती है। सूर्य के प्रकाश में जाने से छींके आती हैं, दाईं नाक बंद हो जाती है, बाएं कान से नाक तक शूटिंग पेन के लिए यह दवा कारगर है। बाहों और टांगों में खिंचाव होता है, धूप में पूरे शरीर में अकड़न होती है और पीठ और गर्दन में दर्द होने लगता है, हथेलियां ठंडी रहती हैं, सिर और चेहरे से, बगलों से, पेट से लेकर पूरे शरीर से खूब पसीना निकलता है, बूंद बूंद करके टपकता है। ठंडा पानी पीकर धूप में जाने से पूरे शरीर में कपकपी लगती है। ज्वर में भी हाथ पैरों की ठंडक और कपकपी के लक्षण प्रकट होते हैं। धूप के कारण ऐसा हो तो सॉल का प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। जिन्हें थोड़ा पानी पीने के बावजूद बहुत बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, उन्हें सॉल के लक्षणों से मिलान के बाद यह दवा दी जा सकती है। सर्वथा उचित है कि इसके साथ ग्लोनाइन, एमिल नाइट्रोसम, नेट्रम कार्ब आदि दवाओं की भी छानबीन करनी चाहिए। सॉल की 30-201 mg पोटेंसी उपयोगी हैं, परंतु 30 और 200 पोटेंसी का प्रयोग अधिक होता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी दवा सॉल के लक्षणों और भारतीय ज्योतिष विज्ञान में सूर्य की स्थिति में काफ़ी समानता मिलती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति का आकलन कर सूर्य से उत्पन्न संभावित रोगों को बताया जा सकता है। जैसा कि मैंने पढ़ा है और तुलनात्मक अध्ययन किया तो पाया कि यदि कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक विकार उत्पन्न करते हैं, जैसा कि सॉल दवा की प्रूविंग से उत्पन्न हुए थे। मैंने सूर्य के प्रकाश से बनी होम्योपैथी दवा सॉल में भी ऐसे ही समान लक्षण पाए, परंतु यही शक्तिकृत सॉल दवा समान रोग से ग्रस्त रोगी को रोग मुक्त करने की क्षमता रखती है। इसी जानकारी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी कामना करती हूँ। धन्यवाद।